got one shot on stage, which you got to play. Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. तो भाई लोग स्टार्ट करेंगे बाइसेप्स का वर्कआउट, आज हम घर पे करेंगे डंबल से अच्छे तरीके से बाइसेप्स को ट्रेन। पहला एक्सरसाइज हमारा लगाएंगे बाइसेप कर्ल अंदर वाले पार्ट के लिए 15 से 20 रेपिटेशंस। फॉर्म देख लो आप लोग, एल्बो कोई मूवमेंट नहीं, एल्बो स्ट्रेट रहेगा आपका, बॉडी को ज्यादा हिलाना नहीं, बॉडी स्टेबल रहेगा आपका। और लगाना है स्लोली स्लोली 15 से 20 रेपिटेशंस आपके बाइसेप्स के अंदर वाले पार्ट के लिए। बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, बहुत ही बेसिक है, लेकिन फॉर्म पे ध्यान देना है बस आपको। बॉडी में मूवमेंट नहीं, एल्बो में मूवमेंट नहीं, शोल्डर को रिलैक्स और लगाना है बाइसेप कर्ल। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा हैमर कर्ल। हैमर कर्ल बाइसेप्स के चौड़ाई के लिए, बाइसेप्स का विड्थ बढ़ाने के लिए हैवियर दिखे, जिससे कि हमारा बाइसेप्स सबसे तगड़ा एक्सरसाइज हैमर कर्ल। हैमर कर्ल में डंबल आप इस तरह पकड़ोगे जिस तरह मैंने पकड़ा हुआ है, और आपने लगाना है हैमर कर्ल 15 से 20 रेपिटेशंस। हर एक एक्सरसाइज का 3 से 4 सेट लगाना है आपको। फॉर्म आपका बिल्कुल उसी तरह रहेगा, शोल्डर रिलैक्स, शोल्डर से कोई हेल्प नहीं, और ऊपर जाके पूरे बाइसेप्स के चौड़ाई पे टारगेट करेंगे, बाइसेप्स के विड्थ पे टारगेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बाहर वाले पार्ट के लिए, विड्थ के लिए। अभी चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में भाई, जिसमें कि हम मिक्स कर देंगे अंदर वाला पार्ट प्लस बाहर वाला पार्ट। इसमें हम जाएंगे बाइसेप कर्ल ऊपर, हैमर नीचे। तो इस तरह करना है आपने, अंदर वाला पार्ट प्लस बाहर वाला पार्ट दोनों साथ में टारगेट। बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है भाई, करके देखो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छा पंप मिलेगा आपको। घर पे ही अगर आपके पास डंबल है तो ये सारा एक्सरसाइज से बहुत अच्छा रिजल्ट आप पा सकते हो। इसमें आप अंदर वाला पार्ट कर रहे हो और नीचे जाते समय बाहर वाला पार्ट, बाइसेप कर्ल प्लस हैमर। ये एक्सरसाइज कंबाइन करके आप एक तरह से सुपर सेट भी लगा सकते हो इसका, 15 से 20 रेपिटेशंस, 3 से 4 सेट लगाना है आपको ये। और ये एक्सरसाइज करना है आपको बाइसेप कर्ल हैमर कर्ल के बाद, साथ में उसके तुरंत बाद। ठीक है, बाइसेप्स थोड़ा बहुत पंप हो गया है भाई, अभी 2-3 सेट में ही बाइसेप्स पंप हो गया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा हो गया भाई कंसंट्रेटेड कर्ल, बाइसेप्स के गोलापन के लिए, बाइसेप्स के राउंडनेस के लिए बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है भाई। इसका लगाना है 15 से 20 रेपिटेशंस। आपका एल्बो रहेगा आपके नी के आसपास रहेगा या फिर थाई पे रहेगा, जिससे कि थोड़ा सा बस सपोर्ट मिलेगा। और लिफ्ट तो सारा करना है अपने बाइसेप्स के मदद से ही, बाइसेप्स के मदद से ही ऊपर वेट को लिफ्ट करना है। अभी दूसरे साइड से कर लेते हैं भाई, ऊपर आके बाइसेप्स पे मसल, बाइसेप्स मसल कॉन्ट्रैक्शन देख सकते हो आप लोग, किस तरह बाइसेप्स मसल ऊपर की ओर जा रहा है। तो मेनली इसका फोकस होता है राउंडनेस पे, गोलापन पे, बहुत ही अच्छा बाइसेप्स आपका दिखेगा। तो ये एक्सरसाइज आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये राउंडनेस के लिए हो गया भाई। अभी नेक्स्ट चलते हैं राउंडनेस को और अच्छा कैसे करें। डंबल लो साथ में पकड़ो, अंदर से राउंडनेस को अच्छा करो। डंबल को इस तरह पकड़ सकते हो आप लोग, थोड़ा सा हैवी डंबल लेना भाई, अच्छा है, अच्छा होगा आपके लिए। अगर डंबल हैवी है तो ठीक है, लाइट वेट है तो रेपिटेशन ज्यादा बढ़ा दो। इस तरह पकड़ना है आपको और रिलैक्स रखना है, एल्बो को कोई मूवमेंट नहीं और पूरा ऊपर लाना है, बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट, शरीर में कोई मूवमेंट नहीं, शरीर को स्टेबल रखना, लगाना 15 से 20 रेपिटेशंस, आपका राउंडनेस बहुत ही अच्छा हो जाएगा भाई। पंप देख सकते हो आप लोग, राउंडनेस पे देख सकते हो काम हुआ है थोड़ा बहुत। अभी चलते हैं भाई नेक्स्ट एक्सरसाइज में, रखना है दोनों डंबल सामने, पूरा कवर करेंगे हम अंदर वाला, इंटायर अंदर वाला मसल, बाइसेप्स के मसल को। इस एक्सरसाइज में भाई बाइसेप्स को रिलैक्स नहीं होने देना है, आपके डंबल को बस लिफ्ट पकड़ना है सामने की तरफ और लगाना है 15 से 20 रेपिटेशंस, आपका इंटायर जो है इनर बाइसेप्स है वो तगड़ा हो जाएगा। तो अभी हम इनर बाइसेप्स देख लिए, अभी देखेंगे भाई हम लंबाई, बाइसेप्स का लंबाई कैसे बढ़ाएं, साथ ही साथ फोरआर्म्स को कैसे ट्रेन करें। इस एक्सरसाइज में आपका बाइसेप्स का लंबाई और साथ ही साथ फोरआर्म्स भी ट्रेन होगा। बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है भाई, करके देखना, सामने की तरफ उल्टा करके आपने ग्रिप लेना है डंबल पे, लगाना है 15 से 20 रेपिटेशंस। फॉर्म बिल्कुल जिस तरह मैंने बताया है, शोल्डर रिलैक्स, एल्बो मूवमेंट नहीं, बॉडी को स्टेबल लगाना है आपको एक्सरसाइज। ये हमारा हो गया बाइसेप्स के लंबाई के लिए। अभी करते हैं भाई बाइसेप के राउंडनेस के लिए काम करते हैं। ये आप एक्सरसाइज करना है लास्ट में, जब आप एक्सरसाइज सेकंड लास्ट या लास्ट में एक्सरसाइज ऐड करोगे डंबल से, बाइसेप्स के अंदर वाले पार्ट पे फोकस करके लगाना है, बाइसेप्स के गोलापन के लिए एक्सरसाइज है भाई। बाइसेप्स का जो गोला बन के आता है उसके लिए एक्सरसाइज है, डंबल को इस तरह से आप एक्सरसाइज कर सकते हो। डंबल है तो बेस्ट है, डंबल अगर नहीं है आपके पास तो ईंट वगैरह का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रॉपर एक्सरसाइज है भाई बाइसेप्स के अंदर वाले राउंडनेस के लिए, बाइसेप्स के गोलापन के लिए। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में भाई, करना है पूरा अच्छे से स्क्वीज अपने बाइसेप्स को। बस आपने क्या करना है, डंबल को थोड़ा सा हैवी डंबल लोगे तो बेस्ट है, और नहीं तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दोगे। आपने क्या करना है, बस 90 डिग्री पे लाके इसको बस होल्ड करना है, बस पकड़े रहो आप लोग। आपका जो बाइसेप्स का जो बाइसेप्स जो स्क्वीज होगा भाई, बहुत ही अच्छा पंप और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। बस आपने क्या करना है, लास्ट में क्या करना है, वर्कआउट जो आपका हो जाए तो बस होल्ड करना है। देख सकते हो आप लोग पंप घर पे ही डंबल से। अभी कर लेते हैं भाई
कॉन्ट्रैक्शन किस तरह अपने बाइसेप्स को लास्ट में लगाना है, अपने एल्बो को करना है पीछे और अपने बाइसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है। ये एक्सरसाइज लास्ट में आप लोग आ सकते हो 15 से 20 रेपिटेशन। अपने ध्यान रखना है, एल्बो पीछे रहेगा और लगाना है एक्सरसाइज। ठीक है भाई लोग, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।